हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत है। सबसे पहले जिन साथियों का आज स्टेट है, एचटेट का एग्ज़ाम है, तो उन सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करें, एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले करें, यानी कि जो क्वेश्चन जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है तो उन क्वेश्चन को बाद में करें। अच्छे से एग्ज़ाम दें, डरना नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इसके बाद साथियों, DSSB के रिजल्ट के बारे में काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि मैंने बार बार बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आज दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ पोस्ट निकली हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद DSSB रिजल्ट अपडेट आपको बताऊंगा। तो DSSB के रिजल्ट की अपडेट ये है कि जो PGT के रिजल्ट आने वाले हैं, 10 या 12 तारीख तक PGT के ऑलमोस्ट रिजल्ट आ जाएंगे जो पेंडिंग में है अभी। इसके बाद जनवरी लास्ट तक TGT के भी काफ़ी रिजल्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद कुछ साथियों के कमेंट आए थे कि NTT के बारे में भी बताएं। तो साथियों, NTT स्पेशल वाले और PRT वाले जो ये एग्ज़ाम हुए थे तो इनके रिजल्ट भी मतलब लगभग आसपास आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। और स्पेशल और PRT वालों पे आपको पता है केस चल रहा है, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। नहीं तो NTT वाले हैं, स्पेशल वाले हैं, PRT वाले हैं, ये लगभग आसपास ही इनका रिजल्ट आएगा। और जहाँ तक है फैब में ही इनका रिजल्ट आएगा। और जो TGT वाले हैं, जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट आने, फरवरी तक रिजल्ट आएंगे। लेकिन PGT वाले जो रिजल्ट हैं वो जनवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद साथियों, दिल्ली के अंदर कुछ पोस्ट निकली हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। जो भी एलिजिबल साथी हैं, जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है तो फिल कर सकता है। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो अभी आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये जो पोस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट की पोस्ट है और टोटल 60 पोस्ट हैं, मतलब 60 वैकेंसी हैं ये 60। और किस पोस्ट के लिए है? JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो पोस्ट का नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इसके बाद साथियों, जो इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? बैचलर या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस 50% मार्क्स। इसका मतलब है कि बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और वो किस स्ट्रीम में होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस में। और आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए उसमें, आप ध्यान रखें, बैचलर या मास्टर डिग्री। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में बैचलर या मास्टर डिग्री हो, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 23/1/2019, मतलब 23 जनवरी 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और जो एग्जाम फी रहेगी साथियों वो क्या रहेगी? 300 और 150, 300 रुपये जनरल और OBC वालों के लिए, 150 SC ST और PH वाले जो हैं उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो जो भी साथी दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्म फिल करना चाहता है तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी साइबर कैफे पे जाके आप ये बता सकते हैं कि JJA की वैकेंसी निकली है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, तो इसके बाद आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने व्यूज जरूर दें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी जो सीरीज़ है कैसी लग रही है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।